सब्सक्राइब कीजिए एएम मैथ्स ट्यूटोरियल्स को एंड बेल आइकन बटन को दबाइए फॉर लेटेस्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एंड नोट्स के लिए। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आईआईटी जैम 2018 का एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम्स है। चूंकि ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे क्वेश्चंस आया तो मैं कोशिश करता हूँ उसका सोल्यूशन दे सकूँ। इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए हैं, अगर प्रीवियस ईयर आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे तो आपको जरूर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और मेरा एक लेक्चर भी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, तो उस पर भी कर सकते हो। मैं या तो अभी जो इस चैनल बिलो इस चैनल में लिंक दे दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी देख सकते हैं। ओके, तो नाउ पहला स्टेप की प्रॉब्लम का फ्रेंड्स वर्क क्या करना है हमें, जो ए एन है उसको फाइंड करना है। बट वहां पे दो सीरीज क्रिएट होगी, पहली क्रिएट कैसे होगी जब एन इवन होगा और सेकेंड क्या होगा एन ऑड होगा। तो हम उसके चेक करेंगे कि एन और इवन और ऑड के लिए हमें सीरीज कौन सी फर्स्ट फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो चलिए so an is equal to is given a first, so we write down this yeah an is equal to simple। अब यहां पे हम ले लेते हैं n is equal to even और यहां पे हम सीरीज कर देते हैं n is equal to odd। ठीक, बंदारी बात। तो n equal to even के लिए आ जाइए, देख लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये that term 1+1 और ये एन इवन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहां पे सिर्फ मिलेगा 2/2n। ओके, नेक्स्ट दैट टर्म आ जाइए प्लस में आ जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा 1, 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो -1/1 दैट इज -1 तो 1 माइनस 1 0 मतलब ये 0 हो गया। तो सेकेंड टर्म 0 हो गया। अब एन इज ऑड, जब ऑड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस ये क्या मिल जाएगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। 1 लिया तो 1-1 0, 3 लिया तो 3-2 पॉजिटिव मतलब ये मिल जाएगा आपको 2/3n। ठीक है, दैट सीरीज मिल गया आपको n और ऑड और इवन के लिए। तो अब हम दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूज करेंगे यूजिंग द कॉची जो रूट टेस्ट है वो फाइंड करेंगे। तो यूजिंग कॉची एंड रूट टेस्ट एंड जो कॉची टेस्ट है आप कॉची टेस्ट भी कह सकते हैं, इस तरह से 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un an an रेस्ट टू 1/n। बट यहां पे दो है तो हम क्या करेंगे, पहले के लिए r1 कंसीडर कर लेंगे, सेकंड के लिए r2 कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो पहला होगा 1/r1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/2n raised power 1/n। So apply this 2/1n to limit n tending to infinity is 2/1n/2। So this is 1/r1 is equal to क्या मिल जाएगा 1/2 क्योंकि 1/∞ 0 मतलब मिल गया आपको 1 तो 1/2। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड के लिए आ जाइए तो 1/r2 इज इक्वल टू, अब ये जब n इवन है उसके लिए केस में है, जब n इवन है और यहां पे हम ले लेंगे n इज इक्वल टू ऑड के लिए, सिंपल लॉजिक है दिस इज। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/3n रेस्ट पावर 1/n, सो वी गेट 1/3। ठीक है, 1/3। तो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 1/r इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 1/r1 एंड 1/r2। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही होगा 1/r1, सो दिस इज 1/2 एंड हियर 1/3। ठीक है, तो अब फाइंड आउट कर लीजिए आप, समय की बात आपको फाइंड कर लेना है। तो फाइंड आउट हो जाएगा तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, सो r इज इक्वल टू 2, सो दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से ये लॉजिकल, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया आपका 2। सो ये कंसेप्ट है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। एंड अनदर रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज अगर आप फीडबैक जरूर दें, आप जरूर मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में
क्या आपको रिक्वायर्ड है, आप कैसे नोट्स चाहिए आपको, तो जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपकी हेल्प हो रही है नहीं हो रही है और कुछ चेंजेस जरूरत है, क्योंकि ये चैनल ही आपका है तो आप जब मुझे रिकमेंड करेंगे बताएंगे मैं उसके हिसाब से कुछ और चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।